गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव रेड द चैप्टर नाउन नंबर्स चैप्टर 6, बट टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सम मोर रूल्स आर गिवन इन दिस बुक, सो लेट्स स्टार्ट इट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर जी. नाउन दैट एंड इन US द प्लूरल एंडिंग इज फ्रिक्वेंटली आई. यहाँ जो रूल दिए हुए हैं ये आपको ऐसा नहीं है कि हर नाउन के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, इसमें आपको एक्सेप्शन भी मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ दिया है कि कोई भी सिंगुलर नाउन अगर उसका लास्ट लेटर आपको US दिखता है तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, US को रिमूव करके वहाँ पर आई ऐड करोगे. जैसे कि फोकस क्या बन जाता है, फोकी. उसी तरह से सर्कल का आप लोग रेडियस जानते होंगे, तो रेडियस सिंगुलर है लेकिन रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं सर्कल के, तो उसको प्लूरल में हम क्या बोलेंगे, US को हटा करके वहाँ पर आई ऐड कर देंगे, तो जो कि बन जाएगा RADII, राइट. द नेक्स्ट रूल इज नाउन्स दैट एंड इन IS द प्लूरल एंडिंग इज ES. तो नाउन जहाँ आपको लास्ट लेटर क्या नज़र आए, IS, वहाँ पर हम क्या करेंगे, IS को रिमूव करके ES ऐड कर देंगे, तो वो सिंगुलर टू प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा. फिर जैसे एनालिसिस है तो ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन उसको अगर हमें प्लूरल में बोलना हो तो क्या हम बोलेंगे, एनालिसिस. IS को हमने हटाया और वहाँ पर क्या पुट किया, ES. नेक्स्ट है नाउन दैट इन इन ON द प्लूरल एंडिंग इज माई ए. तो कोई भी जो सिंगुलर नाउन उसका लास्ट लेटर अगर ON हो तो उसे प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ON को हटा के वहाँ पर A पुट कर देंगे. उसी तरह से जैसे क्रिटेरियन, तो क्रिटेरियन सिंगुलर वर्ड है, अगर उसका प्लूरल हमें कहना हो तो हम क्या बोलेंगे, क्रिटेरिया. तो ON हट गया और A उसकी जगह पे आ गया. उसके बाद है नाउन्स दैट चेंज देयर स्पेलिंग्स. यहाँ जो सिंगुलर प्लूरल दिए गए हैं उसमें कोई रूल नहीं है, बट कुछ स्पेलिंग इसमें चेंजेस हुए हैं. जैसे कि तुत, तो यहाँ जो डबल ओ दिख रहा है आपको वो कन्वर्ट हो गया है डबल ई में, तो थोड़ा सा स्पेलिंग इसका चेंज हुआ है. जैसे डबल ओ यहाँ पर भी है तो गूज बन जाता है गीज, ऑक्स का ऑक्सेन, फुट का फिट, माउस का माइस, मैन का मैन. उसी तरह से वुमेन में भी डब्ल्यू ओ एम ए एन होता है, तो उसका प्लूरल हम क्या बनाते हैं, डब्ल्यू ओ एम ई एन, राइट. राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. यहाँ सिंगुलर वर्ड्स दिए गए हैं, उसके प्लूरल आपको लिखने हैं. तो डेयरी, तो पहले तो आपको ये सारे रूल्स समझने होंगे, याद रखने होंगे, उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को ईजिली आराम से कर सकते हो. अगर आपको रूल समझ में आ गए होंगे तो आप अभी भी इजली इसको कर सकते हो. तो जैसे डेयरी है, तो डेयरी है, डायरी और डेयरी में डिफरेंस होता है. डायरी का स्पेलिंग DIARY होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ लास्ट लेटर सब में देखना है, सिंगुलर वर्ड से अगर आपको प्लूरल में चेंज करना हो तो सबसे पहले आप लास्ट लेटर देखिए. अगर आपको याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो लास्ट लेटर देखिए, फिर उसका रूल याद कीजिए. तो यहाँ लास्ट लेटर क्या है, वाई. तो वाई जब भी हो तो हमें याद है कि वाई जब भी लास्ट लेटर आए तो हमें क्या करना है, वाई से पहले वाले लेटर को देखना है कि वो वोवल है या फिर कॉन्सनेंट है. तो यहाँ जो लेटर है वो है आर, तो आर हमारा क्या हो गया, कॉन्सनेंट. तो कॉन्सनेंट में हम क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और क्या ऐड करते हैं, IES. तो डेयरी क्या बन जाएगा, DAIR. वाई हट जाएगा और उसके जगह पे हम IES ऐड कर देंगे, तो ये डेयरीज बन जाएगा, राइट. उसी तरह से चाइल्ड, चिल्ड्रेन. मैंगो है, तो मैंगो का लास्ट लेटर ओ है, तो हमें याद है कि लास्ट लेटर ओ हो तो हमें क्या ऐड करना होता है, ES. तो मैंगो का मैंगोज बन जाएगा, वॉच का वॉचेस, फिर यहाँ पर लास्ट लेटर ओ है. जीन्स, ये उस तरह के सिंगुलर वर्ड हैं जो प्लूरल में भी सेम ही होते हैं, तो जीन्स का प्लूरल भी जीन्स ही होगा. अब जैसे स्काई है, तो वाई से पहले फिर कॉन्सनेंट आ रहा है, तो फिर से हमें वही करना है, वाई को रिमूव करना है, IES
ऐड करना है. सो आई थिंक यू कैन डू दिस एक्सरसाइज वेरी इजिली. ट्राई टू डू दिस. द सेकेंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन इन ईच सेंटेंस. तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिया हुआ है. आपको सेंटेंस पढ़ के चेक करना होगा, यहाँ पर पुट टिक करना है कि यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए या फिर प्लूरल आना चाहिए. तो जैसे सेंटेंस है, आई हैव थ्री चाइल्ड और चिल्ड्रेन. तो तीन बच्चे हैं, तो तीन बच्चे हैं तो चाइल्ड तो सिंगुलर हो गया. अगर सिंगल एक बच्चा होता तो हम चाइल्ड पे टिक करते हैं, लेकिन तीन बच्चे हैं तो हम यहाँ पर चिल्ड्रेन में टिक करेंगे. वन वोमेन, वोमेन तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ सिंगल लेडी है तो सिंगल वोमेन है तो हम इसमें टिक करेंगे. इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द वर्ड इन इटैलिक टू प्लूरल. यहाँ सेंटेंसेस में वर्ड्स जो भी नाउन इटैलिक में दिया हुआ है उसको आपको प्लूरल में लिख करके फिर प्लूरल में लिखना है. तो जैसे द गर्ल ब्राउट अ ग्लास इन अ ट्रे, तो यहाँ पर इटैलिक में देखो क्या लिखा है, गर्ल और ग्लास दोनों ही सिंगुलर नाउन है, तो गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स. ग्लास का प्लूरल ग्लासेस, तो यहाँ पर आपको गर्ल्स लिखना है, यहाँ पर आपको ग्लासेस लिखना है, राइट. उसी तरह से हॉर्स, यहाँ पर इटैलिक में क्या क्या है, हॉर्स और सैडल, तो सबका प्लूरल आपको यहाँ पर लिख देना है बस. सो इन दिस चैप्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू लर्न ऑल द रूल्स एंड एग्जाम्पल. डू दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क. वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास.